इन्हें जो रेट चाहे इन्हें जो लख 15 हजार आही का बोतल हो ये इन्हें जा गड्डा है गड्डा है जी खीर घणो होंदो इन्हें जो खीर में 3 किलो 4 किलो होंदो दिए जो ठीक है आई घणे दंद में आ गाड़े में दंद जो नहीं चोगी होंदी अच्छा सही है ये इन्हें जा गड्डा ये इसके साथ है 1,10,000 रुपए मांग रहे हैं इसके सही है ये खाली है ये खाली है अभी ये 85 हजार की खाली है दूध इसमें 3 किलो है 3.5 किलो 3.5 किलो दिन का दूध है अभी इसमें ये 85 हजार मांग रहे और ये वाली 20 इसके साथ बच्चा है इसके साथ बच्चा है कौन सा ये काले वाला ये काले वाला ये बछड़ी है ये बछड़ी इसके साथ है और 1,20,000 1,20,000 ये इसमें 4 किलो 3.5 किलो दूध है इसमें भी 3.5 किलो 4 किलो दूध है गाय ठीक है सही ये बच्चा वो अलग है ये कितने का है ये 36 का ये क्या है ये बछड़ा है बछड़ा ही ठीक है और साई ये तीनों ये जो है इस साइड ये 55 की बछड़ी ये 55 की बछड़ी है 45 का बछड़ा 45 का बछड़ा है ये जो बैठा है वो बछड़ा भी 36 का वो 36 का है ठीक और वो जो बछड़ा खड़ा हुआ ये वाला ये अपना कौन सा हाँ ये भाई गए दोनों अच्छा हाँ ये दो हैं ये दो हैं ये जोड़ा तेरा का बनेगा हाँ 160 का 160 का ये जोड़ा जोड़ा अगली ओजाई पे लग जाएगा ये बाबा ये अभी भी तो तैयार है अच्छा अगली पे क्या अच्छा ये अभी भी तैयार है हाँ ठीक है सही अच्छा तो और वो दो जो है वो दूसरे हो गए अपने नहीं और वो दूसरे पता करो तो तीन चार वो खड़े हैं और एक दो वो खड़ी हुई है इनसे भी चलो मालूमात लेते हैं मालूमात कर लो ठीक है साईं अपना फोन नंबर बता दें जिनके ये है यार ये फोन तो हमारे पास है नहीं तो किसी तो किसी के पास तो होगा इधर 0-33-22-98-29-96 सही आपका नाम असगर अली असगर अली लगारी बलोच माशाल्लाह ये मैं यूट्यूब पे दूंगा आवाम देखती है और फिर खरीदना होता है तो आ जाती है नहीं तो फिर देख के रेट अंदाजा लगा लेती है ठीक है ये गाय थी इन्होंने पूरे रेट बता दिए इनके माशाल्लाह तो अभी ये और भी खड़े हैं ये जी हाँ ये भैंस का भी अभी वो अलग से बनाऊंगा ये गाय की अलग भैंस की अलग तो मुझे बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में बता दें हमारी वीडियो कैसी लगी और अगर आप भैंसों के हवाले से कुछ मालूम लेना चाहते हैं या जो कुर्बानी के हवाले से जो ट्याणें होती हैं चोटियाँ होती हैं कट्टियाँ होती हैं उस हवाले से भी अगर आप मालूम लेना चाहते हैं तो यहाँ पर माल बहुत है तो मैं उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूँगा लेकिन उससे पहले मुझे बताया जाएगा क्योंकि फिर वीडियो बना देंगे लोग देखते नहीं तो फिर मज़ा नहीं आता तो अगर आपको भैंसों के हवाले से जानकारी चाहिए तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल वो भी आपको मिल जाएगी ये मक्खी आ गई थी जिसकी वजह से जो है ना वो कैमरा हमारा ख़राब हो गया था आगे से सही है मिलते हैं अगली वीडियो में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज मैं टनोमद खान के अंदर जो मालपीड़ी होती है जो 12 महीने 24 घंटे लगी रहती है चाहे ईद हो शबरात हो या मुहर्रम हो कोई भी दिन हो यहाँ पर मंडी लगी रहती है और यहाँ पर जो है ना माल की ख़रीदो फरोख्त होती रहती है तो ये यहाँ पर जो है ना कुछ गायें हैं दूध वाली कुछ बछड़े हैं कुर्बानी के लिए इन सब के रेट मालूम करता हूँ तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और इस मंडी के हवाले से अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता दें ताकि फिर मैं इस मंडी का पूरा विज़िट करके आपको दिखा दूँ और आपका जो भी माइंड हो सके यहाँ पर भैंसें भी हैं गाय भी है और कुर्बानी के लिए भी यानी कि कुर्बानी दूध भैंस गाय सब कुछ यहाँ पर होता है और यह तकरीबन जो जगह है वो 20 से 25 एकड़ के ऊपर मुश्तमिल है ये जगह तो वीडियो शुरू करते हैं अभी इन भाई साहब से पता करते हैं साईं अस्सलाम वालेकुम साईं इन्हें जो रेट बुधाए जो ही नंदड़ी है ये है साईं इन्हें हिता हजू वो पांजो आ गाँव सब पांजो आ